पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने आज सिविल लाइन्स स्थित एक ऑफिस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता करते हुए डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने कहा कि विदेशी ताकतें हावी हो रही हैं। महानगर में चल रहे ब्यूटी इंस्टीट्यूट पर बड़ा आरोप लगाया है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी खड़ा कर दिया है। डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने ऐसे संस्थानों की जांच करने की मांग की है, साथ ही कहा है कि पुलिस भी ऐसे संस्थानों का सच सामने लाए, आखिरकार ऐसे संस्थानों पर फंडिंग कहां से आ रही है। आपके अंदर एक संस्था चली गई, वो संस्था उसके अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों पढ़ते हैं, हिंदू परिवार की संभ्रंत महिला संभ्रांत परिवार से यहाँ पे जाती है, और ये वहाँ की जो महिला रक्षिता खान है, जो अपने आप को बताती है पूर्व में हिंदू थी, अब मैं वर्तमान में मुसलमान हूँ, और जो ऐसी ऐसी बातें करती है कि अगर हिंदुओं में ये था तो हिंदू क्यों नहीं चादर चढ़ाते हैं। मैं उससे स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि तू ये बता दो, तो आप मेरे को इस बात को साफ करो, क्या कारण है कि आप वहाँ पर हिंदू लड़कों लड़कियों को एक साथ, हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों के साथ भी डालती हो और हिंदुओं को अलग करती हो, क्यों अलग व्यवहार करती हो, मेरी इस बात पर बात तो। अभी आपके द्वारा हिंदू संगठनों के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया था लगातार, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि इसके पीछे भाई पुलिस भी जाँच कर रही है, जाँचें हो रही हैं, लेकिन ये जाँचें अधूरी हैं, चूँकि ये विषय जिस स्तर का है इसकी जांच उस स्तर से होनी चाहिए, इसकी जांच सीबीआई एनआईए से होनी चाहिए, ताकि ये पता चले पूरे देश के अंदर ये मामला उजागर हो सके कि ये ऐसे जो सेंटर चल रहे हैं ये लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या रहा है? यही एक मकसद है कि वो आपकी प्रेस के सामने आके ये कहते हैं कि आप हिंदुओं को इतना अगर हुआ है तो मुसलमानों की इसलिए वहाँ पर जात में जाकर चद्दर क्यों चढ़ाते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि हिंदू समाज सबको मानता है, हम जारत को भी मानते हैं, हम गुरुद्वारे को भी मानते हैं, हम चर्च को भी मानते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस बात के विरोधी हैं कि जो ये धर्मांतरण ब्रेन वॉश करा जा रहा है गलत है, ये समाज के लिए जहर है। तो क्या यहाँ इस तरीके की कोई गतिविधियाँ हैं? इस तरीके की गतिविधियाँ ये आप देख लो, मैं तो इसको ये मानता हूँ कि इस ये जो महिला है शायद आईएस की एजेंट है। आपने अभी कानपुर केरल स्टोरी पिक्चर देखी होगी, है वो एक लड़की तीन लड़कियों को मोटिवेट करती है, है ये वो ये एक महिला 30-40 लड़कियों को मोटिवेशन दे रही है, इस्लाम में आ जाओ खुश रहोगे, मेरी तरक्की इसी से हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी मीडिया कह रही है, आपके अखबार कह रहे हैं, आपके चैनल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं उसी के शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ, केवल कि आप उस सबको इसमें इंक्लूड करके और समाज के सामने सत्य को सत्य जाहिर कर दो। आपसे हाथ जोड़ कर मेरी विनती है कि समाज को जागृत कर दो। ये ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे PFI भी हो सकती है, इसके पीछे ISIS भी हो सकती है, इसके पीछे जिहादी संगठन भी हो सकते हैं। जिस तरीके से केरल स्टोरी में दिखाया गया उन तीन लड़कियों का क्या हाल हुआ, इनको ऐसी फंसा के आतंकवादियों को सुपुर्द कर दिया जाता, सीरिया वीरिया भेज दिया जाता। इस घटना को हिंदुस्तान में बचाओ, ये देश अमन शांति का देश है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए खुला देश है, सबका देश है, सबको यहाँ पर शांति से रहने दो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।